जीवन में चिंता बाधाओं को दूर करने के लिए आजमाए गए वास्तु शास्त्र के 16 उपाय। वास्तु शास्त्र के बारे में सभी जानते हैं। जो लोग वास्तु शास्त्र में विश्वास करते हैं वे इसका महत्व बखूबी समझते भी हैं। हमारे जीवन में हर छोटी बड़ी घटनाएं, आदतें, व्यवहार, आवास, निवास, भौतिक वस्तु आदि सब वास्तु शास्त्र के अनुरूप ही होना चाहिए, क्योंकि इसी से संचालित होता है। आइए हम आपको वास्तु शास्त्र के 16 उपायों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आजमा कर आप अपने जीवन में परेशानियों से निजात पा सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। पहला, यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो आर्थिक परेशानियां हमें घेर लेती हैं। जहां तक हो सके ऐसे घर का चुनाव करें जिस घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर ना हो। दूसरा, ईशान दिशा मतलब उत्तर पूर्व दिशा में 7 संख्या में क्रिस्टल रखे, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और धन लाभ होगा। तीसरा, अमावस्या के दिन घर की सफाई का नियम बनाएं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर पहले से ज्यादा खुशियां और सुख समृद्धि आएगी। चौथा, रोज जब आप अपने घर में पोछा लगाएं तो पानी में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिलाएं। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होगी और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पांचवा, घर के अंदर प्लास्टिक का फूल व पेड़ पौधे न रखें, इससे घर में दरिद्रता आती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। छठा, गुरुवार के दिन उत्तर दिशा में कमल का फूल रखने से धन वृद्धि होती है। सातवां, पूर्व दिशा में बहुत ज्यादा सामान रखने से एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती जिससे घर में बाधाएं आती, उस दिशा में रखा सामान हटा दें। आप देखेंगे कि तुरंत ही पैसों से संबंधित चिंताएं कम हो जाएंगी। किचन में रात के जूठे बर्तन रखने से बिजनेस में नुकसान होता है, कृपया ऐसा न करें, रात को ही किचन साफ कर लें। बेडरूम में पानी रखना वर्जित है, ऐसा करने से व्यक्ति हमेशा कर्ज में फंसा रहता है, इसलिए बेडरूम में पानी भरकर न रखें। अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रोजाना शाम को कपूर जलाने से धन वृद्धि होती है। 11, तिजोरी में परफ्यूम न रखें, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 12, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दहलीज पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए, ऐसा करने से कर्ज कम होने लगता है। उपाय नंबर 13, घर का मुख्य दरवाजा अगर खराब हो या पूरी तरह से न खुलता हो तो इससे धन हानि होती, इसे फौरन ठीक करवा लें। दक्षिण दिशा की दीवार पर मंदिर होने से बड़े बड़े संघर्ष सामने आते हैं व कभी कभी व्यक्ति दिवालिया भी हो जाता है, कृपया इसे हटाकर ईशान कोण में स्थापित करें। 15, घर में वर्ष में 2 बार कोई पूजा या हवन करवाएं, ऐसा करने से कर्ज प्रभावित करने वाली ऊर्जा खत्म हो जाती है, धन ऊर्जा बढ़ती है, इससे वास्तु देवता भी प्रसन्न होते हैं। 16, जिस घर पर ज्यादा कलह होती है वहाँ पर धन संबंधी चिंताएं बढ़ती है, ऐसा किसी बड़े वास्तु दोष के कारण हो सकता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।